स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर डा में। दोस्तों जब हर महीने हम थोड़े से पैसे बचाकर निवेश करने का प्लान बनाते हैं तो ज़्यादातर हम बैंक आरडी या फिर पीपीएफ स्कीमों में पैसा निवेश करते हैं, या फिर बहुत सारे लोग अगर थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं तो वो म्यूचुअल फंड्स स्कीम के अंदर SIP शुरू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों म्यूचुअल फंड्स स्कीम वाले जो पैसा निवेश करते हैं वो भी स्टॉक मार्केट के अंदर ही निवेश करते हैं। तो अगर आप किसी बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक में डायरेक्ट हर महीने थोड़े से पैसे भी निवेश करते हैं तो आप यहाँ पर करीब 3 गुना रिटर्न हासिल कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पर बैंक आरडी या फिर पीपीएफ स्कीम की, तो दोस्तों यहाँ पर उसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से लेकर 6% तक ब्याज तक मिलती है। जबकि अगर आप म्यूचुअल फंड्स स्कीम के अंदर पैसे निवेश करते हैं तो वहाँ पर भी आपको कम रिटर्न मिलता है बजाय स्टॉक मार्केट के, क्योंकि वहाँ पर आपका पैसा बहुत सारे अलग अलग स्टॉकों के अंदर निवेश किया जाता है, इसलिए आपको वहाँ पर भी कम रिटर्न मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने पैसे पर डायरेक्ट रिस्क लेकर किसी ऐसे स्टॉक में निवेश करते हैं जो आने वाले टाइम में आपको एक ज़बरदस्त प्रॉफिट करा सकता है, तो दोस्तों यहाँ पर आज हम आपके लिए एक ऐसा ही स्टॉक लेकर आए हैं जिसके अंदर आप हर महीने सिर्फ 750 रुपये का निवेश करके अपने लिए 22 करोड़ 30 लाख रुपये का फंड तैयार कर सकते हैं। और साथ के साथ दोस्तों आज हम जानेंगे कि कैसे इसके अंदर आपको 750 रुपये हर महीने निवेश करने हैं, और साथ में हम स्टॉक का पूरा एनालिसिस करेंगे जो स्टॉक आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि हम पता कर सकें कि स्टॉक के अंदर आने वाले टाइम में हमें यहाँ पर मूवमेंट मिल सकता है या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं इस स्टॉक के बारे में पूरा एनालिसिस के साथ, और लास्ट में हम करेंगे कैलकुलेशन कि कैसे इसके अंदर आप 750 रुपये का निवेश करके 22 करोड़ 30 लाख रुपये का फंड तैयार कर सकते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों जो स्टॉक आज हम लेकर आए हैं, सबसे पहले अगर हम उसके रिटर्न की बात करें ऑल टाइम की, क्योंकि स्टॉक 2 साल पहले लिस्ट हुआ था और अभी माइनस में है 29% का। यहाँ पर दोस्तों स्टॉक मार्केट की गिरावट की वजह से स्टॉक के अंदर काफ़ी दबाव है। इसकी वजह से यहाँ पर स्टॉक ने अपना हाई बनाया था 14 अक्टूबर 2021 को 1134 रुपये का। उसके बाद यहाँ पर स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त गिरावट देखने के लिए मिली है, क्योंकि स्टॉक मार्केट लगातार यहाँ पर नेगेटिव है, यानी स्टॉक मार्केट में दबाव है। उसकी वजह से यहाँ पर दोस्तों स्टॉक का प्राइस अभी 741 रुपये आ चुका था और आज की डेट में स्टॉक का प्राइस 724 रुपये है, जबकि ये स्टॉक लिस्ट हुआ था करीब 1029 रुपये पर। उसके बाद यहाँ पर स्टॉक के अंदर यहाँ पर गिरावट आई थी 2020 में कोरोना की वजह से। उसके बाद स्टॉक करीब 500 रुपये तक चला गया था, लेकिन दोस्तों उसके बाद यहाँ पर स्टॉक ने ज़बरदस्त मूवमेंट दिखाया और स्टॉक करीब 1105 रुपये तक चला गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपके पास एक ज़बरदस्त मौका बनता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट की गिरावट की वजह से इस स्टॉक के अंदर काफ़ी दबाव आ चुका है। तो लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप यहाँ पर हर महीने 750 रुपये का भी निवेश करते हैं तो स्टॉक के अंदर आप बहुत जल्दी एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इस स्टॉक की, तो यह है दोस्तों SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड। दोस्तों ये एक SBI की ही कंपनी है, SBI कार्ड। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के मार्केट कैपिटल की, तो यह है 69,008 करोड़ की और कंपनी एक मिड कैप कंपनी है। बात करें PE रेशियो प्राइस टू अर्निंग की, तो 43 है। PB रेशियो 8.90 है। इंडस्ट्री PE 29.37 है। डेट ऑन इक्विटी 2.96 का है। ROE इक्विटी से रिटर्न 23% है। अर्निंग पर शेयर 16.98 का है। डिविडेंड भी इतना अट्रैक्टिव नहीं है, 0.34 का। बुक वैल्यू है 82.19 और फेस वैल्यू है 10, यानी कंपनी का जो फंडामेंटल है वो काफ़ी ठीक ठाक नज़र आता है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर स्टॉक की बैलेंस शीट के बारे में, तो यहाँ पर 3 चीज़ चेक करेंगे, कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का नेटवर्थ। इसे हम ईयरली बेसिस पे चेक करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू की और ईयरली बेसिस पे देखें, तो 2018 में कंपनी का रेवेन्यू 5,187 करोड़ था, 2019 में 6,999 करोड़, 2020 में 9,276 करोड़, 2021 में 9,277 करोड़, 2022 में 10,677 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है। बात करें हम दोस्तों प्रॉफिट की, तो यहाँ भी कंपनी ने शानदार प्रॉफिट जनरेट किया है। 2018 में कंपनी का प्रॉफिट 601 करोड़ है, 2019 में 863 करोड़, 2020 में 1245 करोड़, 2021 में 985 करोड़ और 2022 में कंपनी का प्रॉफिट 1616 करोड़ का है। बात करें हम यहाँ पर दोस्तों कंपनी के नेटवर्थ की, तो यहाँ भी लगातार कंपनी बढ़ती हुई नज़र आती है। 2018 में कंपनी का नेटवर्थ 2,353 करोड़ था, 2019 में 3,582 करोड़, 2020 में 5,341 करोड़, 2021 में 6,302 करोड़ और 2022 में कंपनी का नेटवर्थ 7,753 करोड़ का है, यानी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो दोस्तों काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो प्रमोटर्स के पास करीब 69% स्टैक है, FII के पास करीब 9.53, रिटेल में करीब 8.86 का, म्यूचुअल फंड्स ने तगड़ा पैसा निवेश किया है करीब 8
5% स्टैक म्यूचुअल फंड्स के पास है और डोमेस्टिक के पास करीब करीब 4% स्टैक है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के रोज की, तो यहाँ पर दोस्तों स्टॉक का जो CAGR है आखिरी 5 साल का, यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट, वो करीब 34% का है। यानी लगातार 5 साल से कंपनी जो बढ़ी है वो 34% के हिसाब से बढ़ी है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की, इंटरेस्टिंग वैल्यू करंट प्राइस के हिसाब से ज्यादा है, जो कि थोड़ी सी नेगेटिव नजर आती है। अगर हम FD के मुकाबले रिटर्न कंपेयर करें तो स्टॉक ने FD के मुकाबले काफी शानदार रिटर्न दिया है। दोस्तों स्टॉक का डिविडेंड इतना अट्रैक्टिव नहीं है, एंट्री पॉइंट यहाँ पर आप कर सकते हैं स्टॉक के अंदर एकदम सही टाइम में बाय करने का, और स्टॉक ओवर बजट भी नहीं है। यहाँ पर स्टॉक के अंदर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, ना ही स्टॉक ESM और GSM लिस्ट में शामिल है। दोस्तों ये तो बात हुई स्टॉक एनालिस्ट की, स्टॉक के अंदर कोई भी खराबी नजर नहीं आती है। अब बात करते हैं कैश के अंदर आप 750 रुपये हर महीने निवेश करके अपने लिए 22 करोड़ का फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों स्टॉक का जो CAGR है, यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट, वो करीब 34% का है। लेकिन आने वाले टाइम में अगर आपको इतनी गिरावट के बाद निवेश करते हैं और आपको सिर्फ 30% का भी यहाँ पर रिटर्न मिलता है, तो दोस्तों कैश के अंदर आप इतना बड़ा फंड बना सकते हैं 22 करोड़ का 750 रुपये निवेश करके। चलिए अब हम इसे एक बार कैलकुलेट करके भी समझते हैं। दोस्तों ये हमारे पास एक स्टॉक SIP कैलकुलेटर। अगर आप इस स्टॉक के अंदर हर महीने 750 रुपये का निवेश करते हैं और इस स्टॉक में आपको रिटर्न मिलता है एनुअली 30% का। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप 750 रुपये लगातार 5 साल तक निवेश करते हैं तो आप टोटल इसके अंदर 45,000 रुपये का निवेश करेंगे। इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 59,544 रुपये का होगा, यानी कि 5 साल के बाद आपके पास करीब 104,544 रुपये होंगे। इस स्टॉक के अंदर अगर आप इस SIP को कंटिन्यू करते हैं 10 साल के लिए, तो 750 रुपये हर महीने के हिसाब से आप इसके अंदर 90,000 रुपये का निवेश करेंगे। इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 4,74,513 रुपये का होगा, यानी टोटल 10 साल के बाद आपके पास करीब 5,64,513 रुपये होंगे। दोस्तों इस SIP को अगर आप कंटिन्यू करते हैं 15 साल के लिए, तो 750 रुपये हर महीने के हिसाब से आप इसके अंदर 1,35,000 रुपये का निवेश करेंगे। इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 24,53,283 रुपये का होगा, यानी 15 साल के बाद आपके पास करीब 25,88,283 रुपये होंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर इस SIP को अगर आप 20 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं तो 750 रुपये हर महीने के हिसाब से आप इसके अंदर 1,80,000 रुपये का निवेश करेंगे। इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 1,13,12,442 रुपये का होगा, यानी कि 20 साल के बाद आपके पास करीब 1,14,92,442 रुपये होंगे। दोस्तों अगर आप इस स्टॉक के अंदर इस पैसे को 25 साल के लिए निवेश करते हैं तो 750 रुपये हर महीने के हिसाब से आप इसके अंदर 2,25,000 रुपये का निवेश करेंगे। इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो करीब 5,04,43,874 रुपये का होगा, यानी 25 साल के बाद आपके पास करीब 5,06,68,874 रुपये होंगे। अगर आप इस स्टॉक के अंदर 750 रुपये लगातार 30 साल तक निवेश करते हैं तो इसके अंदर आप टोटल 2,70,000 रुपये का निवेश करेंगे। इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 22,27,66,935 रुपये का होगा, यानी 30 साल के बाद आपके पास करीब 22,30,36,935 रुपये होंगे। अब दोस्तों बात आती है रिस्क की, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप डायरेक्ट निवेश करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। यहाँ पर दोस्तों अगर ये स्टॉक रिटर्न आपको देता है कम, यानी 20% का, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 1,75,000 रुपये, जबकि अगर यहाँ पर रिटर्न इससे ज़्यादा मिलता है 30% से ज़्यादा, तो दोस्तों ये पैसे आपके कई गुना तक बढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ रिटर्न एक्सपेक्ट करके कैलकुलेट किया है, इसके अलावा स्टॉक आपको डिविडेंड और डिविडेंड पे आउट भी अच्छा देते हैं, वो यहाँ पर हमने कैलकुलेट नहीं किया है। तो दोस्तों अगर आप अपने पैसे पर रिस्क लेकर हर महीने एक बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक में पैसा निवेश करते हैं तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड से स्कीम या फिर किसी भी स्कीम से ज़्यादा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपके पैसे पर पूरा रिस्क होता है। यहाँ से स्टॉक आपको माइनस में रिटर्न भी दे सकता है, इससे यहाँ पर आपको लॉस भी हो सकता है। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। अब बात आती है कि कैसे इसके अंदर आपको निवेश करना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको चाहिए होगा डीमैट अकाउंट। अगर आपके पास पहले से कोई डीमैट अकाउंट है तो उसके थ्रू आप इस स्टॉक के अंदर हर महीने 750 रुपये डालकर जो भी स्टॉक आपके पास आता है एक, तो उसे आप बाय करके अपने पास रख सकते हैं। अगर आपके पास पहले से कोई डीमैट अकाउंट नहीं है तो हमने नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में आप स्टॉक का, उस पर भी आप क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा के इस स्टॉक के अंदर निवेश शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।